पश्चिमी राजस्थान के बाद अब मेवाड़ में एकाएक सियासी हलचलें तेज होती जा रही है। जहां कांग्रेस उदयपुर में चिंतन शिविर करने जा रही है, तो वहीं भाजपा के चाणक्य यानी गृह मंत्री अमित शाह भी जल्द ही मेवाड़ के दौरे पर आ सकते हैं। इस बीच राजस्थान में तीसरी शक्ति होने का दावा करने वाले हनुमान बेनीवाल भी मेवाड़ का पारा बढ़ाने पहुंच गए। इस दौरान हनुमान बेनीवाल ने भाजपा और कांग्रेस पर जमकर भड़ास निकाली। बेनीवाल ने कहा कि पायलट पर निशाना साधते हुए कि 30 साल का मिथक तोड़ने की बात कर रहे हैं। मैं पायलट को सलाह देना चाहूंगा कि आप राजस्थान के मुख्यमंत्री बन मत जाना, क्योंकि आपका हाथ पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की तरह हो जाएगा। साथ ही बेनीवाल ने भाजपा को भी आड़े हाथों लिया, वसुंधरा राजे को लुटेरी दुल्हन तक बता दिया। साथ ही चुनाव में गठबंधन के सवाल पर भी जवाब दिया। बेनीवाल ने कहा कि भाजपा शासन में मंत्री रहे यूनिस खान ने अपने खुद के बंगले 18 सिविल लाइन्स में शिव मंदिर को हटाया और दूसरा सिस्टम बनाया। भाजपा की सरकार में कई मंदिर तोड़े गए, तब भाजपा के नेता सवाल क्यों नहीं उठा रहे थे? तब विधानसभा में या तो मैं बोल रहा था कि घनश्याम तिवारी, यह सवाल उस वक्त भी खड़ा होना चाहिए था। आज भाजपा को ही मंदिर की चिंता है, क्या और किसी को नहीं? मंदिर के मुद्दे पर सरकार में आएंगे और बेरोजगारी सहित बाकी कोई मुद्दे है ही नहीं। बेनीवाल ने कहा कि आरएलपी ही एकमात्र राजस्थान की ऐसी पार्टी है जिसका रिमोट प्रदेश के लोगों के हाथ में है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी और किसानों को लेकर उदयपुर के दरीबा में एक बड़ा धरना आरएलपी करेगी। क्रूड ऑयल की कीमत घटने के बावजूद कीमतें बढ़ रही है। बेनीवाल ने सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह को भी बर्खास्त करने की भी मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीपीके न्यूज़।